दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अपने नेट की क्लासेस में आज हम बात करेंगे संस्कृत के कुछ प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के बारे में। साथ ही एज यूजुअल एक छोटी सी ट्रिक होगी आपके लिए, जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। दोस्तों, संस्कृत के ये जो कवि मैं आज आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप UGC नेट की या व्याख्याता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, क्योंकि इसमें के क्वेश्चन ज़रूर उठाए जाते हैं। आज के वीडियो ये इन कवियों के बारे में एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। इसके बाद मैं एक एक कवि को अच्छे से एक्सप्लेन करती चलूंगी। आज के वीडियो में मैं सभी रचनाओं और रचनाकारों के बारे में बताऊंगी। इसके बाद मैं भरत मुनि के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। चलिए हम बात करते हैं संस्कृत की प्रमुख रचनाओं और उनके कवियों के बारे में। संस्कृत में जो सबसे पहली या सबसे प्राचीन उपलब्ध रचना है वो है भरत मुनि की नाट्य शास्त्र। उसके बाद में भामा की काव्यालंकार, जिसे भामहालंकार भी कहते हैं। उसके बाद दांडी की काव्यादर्श, वामन की काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, उद्भट की काव्यालंकार सार संग्रह, आनंदवर्धन की ध्वन्यालोक, राजशेखर की काव्य मीमांस, भट्ट नायक की हृदय दर्पण, धनंजय की दस पुरूपक, भोज की सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश, कुंतक की वक्रोक्ति जीवित, अभिनव भारती की धन्यालोचन और अभिनव भारती, उसके बाद क्षेमेंद्र की औचित्य विचार विमर्श, मम्मट की काव्य प्रकाश और जगन्नाथ की रस गंगाधर। दोस्तों, यहाँ पर वो रचनाएं मैंने ली हैं जो ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न बनाए जाते हैं आपके, वो इन्हीं रचनाओं से उठाए जाते हैं। इसके अलावा रचनाएं तो बहुत सी हैं, वो आप किताब में जाकर पढ़ सकते हैं। इतनी रचनाएं जो हैं, ये जो नेट का परीक्षा होती है और व्याख्याता परीक्षाओं में अक्सर इनको अनुक्रम से पूछा जाता है, और क्या क्या आप अनुक्रम से याद करेंगे, इसलिए मैं लगभग हर अनुक्रम वाले प्रश्नों के लिए एक छोटा सा आपको ट्रिक दे देती हूँ। आप इसको एक अलग रजिस्टर में ज़रूर नोट करते चलिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होगा परीक्षाओं के लिए। आइए देखते हैं। नाट्य काव्य के दर्श से सूत्र बना फिर सार, ध्वनि मीमांस के हृदय में दस सर का श्रृंगार, ध्वनि अभिनव औचित्य का काव्य गंगा की धार। ये तीन लाइनें हैं। इन तीन लाइनों में जितने भी ये रचनाएं हैं, ये सारी रचनाएं क्रमबद्ध रूप से आ गई हैं। अगर इनका आपको क्रम लगाने को आता है और आपको ये तीन लाइनें याद है, तो आपका क्रम किसी भी कीमत में गलत नहीं होगा। तो आप इनको नोट कर लीजिए। बगल में ये छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है, जिसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, तो आपके ये इसमें आने वाले अनुक्रम के जो प्रश्न हैं वो गलत नहीं होंगे। इसके बाद मैं लाइन से इनमें आने वाले जो भी रचनाकार हैं प्रमुख, जिनके बारे में प्रश्न पत्रों में अक्सर प्रश्न उठाए जाते हैं, वो क्रम से मैं अपने वीडियोस में आपको बताती चलूँगी। ये वैसे बहुत ही सिंपल ट्रिक है, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। नाट्य काव्य, नाट्य से नाट्य शास्त्र, काव्य से काव्य अलंकार, दर्श से काव्यादर्श, उसके बाद सूत्र से काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति, और इसके बाद सार से काव्य अलंकार सार संग्रह, ध्वनि से ध्वन्यालोक, मीमांस से काव्य मीमांस, हृदय से हृदय दर्पण, दस रूपक, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगार प्रकाश, इसमें वक्रोक्ति वाला छूट गया है। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि ध्वन्यालोचन, अभिनव भारती, औचित्य विचार विमर्श, उसके बाद काव्य प्रकाश और गंगा की धार, मतलब रस गंगाधर। नाट्य काव्य के दर्श से सूत्र बना फिर सार, ध्वनि मीमांस के हृदय में दस सर का श्रृंगार, ध्वनि अभिनव औचित्य का काव्य की गंगा धार।
दोस्तों ये थे प्रमुख रचनाएं और रचनाकार। अब थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट भरत मुनि के बारे में है, आइए उनको जान लेते हैं। जो ये भरत मुनि द्वितीय शताब्दी के रचनाकार थे। इनकी जो प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है ये नाट्य शास्त्र है, इसी को प्राचीनतम संस्कृत का उपलब्ध ग्रंथ भी माना जाता है। और इसमें 36 अध्याय थे और 5000 श्लोक थे। भरत मुनि का ये प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, इसमें 36 अध्याय और 5000 श्लोक थे। भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में माने जाते हैं। इनका जो प्रमुख सूत्र था विभाव अनुभाव व्यवचारी व्यवचारी संयोग गाद रस निष्पत्ति। इस सूत्र की बाद में अलग अलग रचनाकारों ने अलग अलग व्याख्याएं की हैं, वो मैं अपने आगे के वीडियोस में आपको बताऊंगी। भरत मुनि ने 10 काव्य गुणों की व्याख्या की अपने नाट्य शास्त्र में, 4 अलंकारों की व्याख्या की है, रूपक उपमा दीपक और यमक। उसके अलावा इन्होंने 8 रस माने हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्य दर्पण में 8 रस माने हैं। इन्होंने शांत रस को नहीं माना है और श्रृंगार हास्य रस को श्रृंगार रस से ही उत्पन्न माना है। ये चीज आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। भरत मुनि का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र, 36 अध्याय 5000 श्लोक, भरत मुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, नाटक के 4 अंग माने इन्होंने, वस्तु तत्व अभिनय संगीत और रस। इसके अलावा भरत मुनि ने 10 काव्य गुण अपने नाट्य शास्त्र में, काव्य गुण 10 बताए हैं, अलंकार 4 और 8 रस माने हैं। आगे के वीडियोस में मैं भामा के बारे में और जो भी इम्पोर्टेंट रचनाकार हैं उनके बारे में क्रमबद्ध रूप से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके पेपरों के लिए परीक्षाओं की दृष्टि से वो मैं आपको बताती चलूंगी। मैं जो यहाँ पे फैक्ट्स बता रही हूँ ये इतने बेसिक और इतने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपके हर तरह की परीक्षाओं में पूछने, मतलब इतना आपको पता ही होना चाहिए। अगर आप नेट JRF और व्याख्याता इस तरह की बड़ी परीक्षाएं देने जा रहे हैं तो इतनी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। आप बड़ी बड़ी बुक्स पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स की मोटी मोटी, लेकिन ये एक छोटे से नोट्स आप अलग बनाकर रख लीजिए, जो एग्जाम टाइम में चलते टाइम आप इनको देख लीजिएगा, ये आपको बहुत लाभकारी होंगे और बहुत मजबूती प्रदान करेंगे। आप एक बार करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको हमारे वीडियोस रेगुलर चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो पहले चाहिए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बता दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।